वक्त की बड़ी खबर आ रही है देवरिया से, जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पथरदेवा में त्रिदिवसीय किसान मेला के तीसरे दिन जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। दुनिया का सारा पहिया थम गया था, सारी अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ गई थी, लेकिन हिंदुस्तान के किसान ने बंपर पैदावार की, किसानी भी आगे बढ़ी और किसान को भी मुनाफे में कभी नहीं आई। और इसलिए आज हम लोगों की कोशिश है कि ये जो हमारी मूल व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम इतना ताकतवर बनाएं कि हम अपने देश की आवश्यकता को भी पूर्त करें और आने वाले कल में दुनिया को भी अगर आवश्यकता पड़े तो दुनिया की खाद्यान्न आपूर्ति के मामले में भी भारत आगे बढ़कर दुनिया का पेट भरने का भी काम कर सके। इस दृष्टि से कृषि को हमें मजबूत बनाना है।